जुगनी चढ़दी ए सिकार हेलो जुगनी हसदी वे हसदी हाँ तुम दोनों इधर आओ ये क्या बदतमीजी है रोड के बीच में तुम कूड़ा फैलाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती साले तेरे को शर्म नहीं आती रोड के बीच में कचरा फैलाता है मोदी जी बोल बोल के थक गए सफाई रखो लेकिन तुम जैसे बेशरम लोग अरे मैंने किया क्या दो बड़े जब आपस में बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते कहीं का अरे मैडम सॉरी चल जाए अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हो वैसे आप करते क्या हो मैं हाथ की सफाई का खाता हूँ और आप क्या करते हो मैं एक एनजीओ चला रही हूँ अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान का अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ वाह वाह यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो वैसे आप कल क्या कर रहे हो कुछ खास नहीं तो कल हम मिल सकते हैं हाँ चलो ठीक है तो कल मिलते हैं अम्मा हर साय उते नाम बोले तेरा तेरे भाई के गाड़ी वाली लड़की सेट हुई है मजा आ जाएगा चारों ओर पैसा ही पैसा चांदी चांदी यस मेरी बात साले कभी लड़की देखी अपनी लाइफ में कल जाऊंगा उससे मिलने यस अरे मेरी बात तो सुन तेरे को बोला चुप भाग यहां से साला फकीर चांदी चांदी है कल तो यस अच्छा सुनो यार मुझे कुछ खिला तो दो एक काम करते हैं मोमोज खाते हैं मोमोज तुम बाहर का खा कैसे सकते हो ये छी मैं तो कभी हाथ भी ना लगाऊं अच्छे काम करते हैं हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं हाँ चलो ना अच्छा तुम ये बताओ तुम कहीं घूमने वूमने नहीं जाते क्या घूमने वैसे तो मैं हर हफ्ते वर्ल्ड टूर मारता हूँ लेकिन इस बार मेरे को 100 करोड़ का लॉस हो गया ना तो इस बार मैं सोच रहा हूँ गोवा जाऊँ गोवा अरे तुम गोवा जितने पैसों में बैंकॉक भी जा सकते हो वो कैसे तुमने हॉपर ऐप का नाम नहीं सुना नहीं ये देखो देखो ये हॉपर ऐप है और इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कब टिकट सस्ती है और कब महंगी और उसी हिसाब से हम सबसे सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं क्यों है ना बढ़िया ऐप अरे वाह यार ये तो बड़ा मस्त ऐप है इसको तो अभी डाउनलोड करूंगा और आपकी फैमिली कहाँ रहती है मेरी फैमिली तो यूएसए रहती है अच्छा और तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं मेरे पापा और दो बड़े भाई पापा तो एक ही होते हैं ना वैसे आपके पापा तो बहुत बड़े आदमी होंगे ना मेरे पापा तो इतने बड़े आदमी हैं कि उनके आगे सब सर झुकाते हैं और आपका भाई मेरे भाई के सामने तो लोग कटोरा लेके खड़े होते हैं और दूसरा भाई मेरा दूसरा भाई तो लोगों को ऊपर पहुंचाता है अरे अरे डरो मत तुम्हें थोड़ी ना कुछ बोलेगा अच्छा तो मेरा बर्थडे आ रहा है मेरे बर्थडे पे मुझे कहाँ लेकर चलोगे बहुत अच्छी जगह लेकर चलूंगा तुम्हें 5-star होटल हाँ उधर ही ओके चलो तो फिर मेरे बर्थडे पे मिलते हैं क्या हो गया बड़े परेशान लग रहे हैं अरे यार वो लड़की 5-star जाने के लिए बोल रही है तो क्या फिर भाई मेरे पास पैसे थोड़ी है साले पहले तो बहुत आवाजी दिखाता अब कहे तेरे पैसे पहला मुँह छड़ कहेगा अब चल मेरे साथ मैं कुछ दिखा के लाता हूँ चल उसका बाप चल अब तुझे उसके भाई से मिलवाता हूँ चल वो देख उसका भाई मेरे भाई के सामने तो लोग कटोरा लेके खड़े होते हैं चल अब तुझे उसके दूसरे भाई से मिला लो चल ये देख उसका भाई मेरा दूसरा भाई तो लोगों को ऊपर पहुंचाता है चलो सबसे बड़ी चीज तो रहेगी आया है लगता है कौन भाई साहब मैं एक एनजीओ चला रही हूँ अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान का अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतना बड़ा धोखा तू भी मेरे साथ
तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार को भी? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम पैसों का झांसा देकर अमीर लड़कों को फंसाती हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? वो तो एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। कांता भाई, ये साफ सफाई छोड़कर किससे बात कर रही है? कौन आया बार? अरे तू पैसे लेने आया होगा, दो दिन से गाड़ी साफ नहीं करी तुमने, पहले गाड़ी साफ कर, भाग यहाँ से। मैं हाथ की सफाई का खाता हूँ।